हेलो फ्रेंड, सक्सेस प्लर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक इंटेलिजेंट टेस्ट फॉर ASM पोस्ट के लिए पार्ट 3 का रहेगा। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, पार्ट 3 बेसिकली मैं ये चाहता था कि पार्ट सेकंड में 20 क्वेश्चंस रखूँ, लेकिन थोड़ा टाइम एक्सेस हो जाने की वजह से मैंने इसे पार्ट 3 में कन्वर्ट कर दिया। फ्रेंड, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद वीडियोस को आगे बढ़ाइए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के वो 11 से 20 क्वेश्चन जो मैं पार्ट सेकंड में कवर करना चाहता था लेकिन टाइम की एक्सेस की वजह से नहीं कर पाया। चलिए देखिए, सेम पहले मैंने इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपको इसमें 10 क्वेश्चन 3 मिनट्स के अंदर करना है। सेम प्रोसेस रखिए कि आपको पहले टाइमर से टाइम सेट कर लीजिए और क्वेश्चंस को पहले आप खुद देख लीजिए। ठीक है, खुद कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन खुद देखिए। चलिए देखते हैं, ये टोटल 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 20। ठीक है, ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे, मतलब कि 5 सेकंड के अंदर, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन पहले कवर कर दिए। अब 11वें से देखते हैं कि क्या क्या इसके आंसर्स हैं। आई थिंक आपने वीडियो को पॉज करके 3 मिनट्स का टाइम लगा के कर दिए होंगे। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, थोड़ा सा बस माइंड को अलर्ट करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, पहला 11 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 4 एरो है। ठीक है, यहाँ 3 एरो है, 2 एरोज है, 3 एरो है, 2 एरोज है। ठीक है, इसके दो तरीके हैं करने के क्वेश्चंस के, लेकिन हमें बेस्ट चाहिए होता है, इसलिए आपको समझिए। देखिए, यहाँ पे 4 एरो हैं, 3 2 3 2। क्वेश्चंस लोगों के माइंड में ये आएगा कि यहाँ पे तीन और तीन एरो हो गए। ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 एरो हो गए, एक जो डिफरेंट दिख रहा है वो फर्स्ट वन होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा दिमाग में क्या आएगा, देखिए फ्रेंड, जैसे 4 एरो हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक दूसरे के आमने सामने ना होके ऊपर नीचे जो भी हैं। 3 में आप देखेंगे, ठीक है, वैसे 3 की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 3 तो ये आपको यहाँ से दिख ही रहा है कि दोनों सेम ही हैं। बात करते हैं 3rd की, आप अगर 3rd में भी देखा चाहेंगे तो 2 जो हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के एकदम सटीक आमने सामने हैं, जो कि 3rd में भी आप देख पाएंगे, 3 3 में भी सेम इसी तरीके से। जो 3rd है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप 5th में देखेंगे कि जो 2 हैं वो दोनों एक दूसरे से एकदम अपोजिट हैं, मतलब कि थोड़ा सा अलग हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये एकदम एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए थे। ठीक है, तो 2 आंसर बनते हैं कि इस तरीके से 1st या 5th। लेकिन क्योंकि हमें लॉजिकल काम करना है, बेस्ट आंसर्स फाइंड आउट करना होता है, तो बेस्ट जो बात की जाएगी वो आंसर हो जाएगा 5th। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसके 2 आंसर बन सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट काउंट करना होता है, तो इसी वजह से इसका 5th आंसर होगा। हम इसे ये नहीं देखेंगे कि नंबर्स एरोस को काउंट कर लें, इतना सिंपल नहीं थोड़ा सा आता। ठीक है, कुछ लॉजिक थोड़ा लगना चाहिए, लॉजिक इस तरीके से लग रहा है, तो इसलिए आपका 5th आंसर है। 12th क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 ट्राइंगल्स इस तरीके से, एक छोटा ट्राइंगल बना हुआ है, उससे मतलब कि डॉट है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स इस तरीके से, एक यहाँ पर डॉट है इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 ट्राइंगल हैं, लेकिन डॉट है वो बड़े ट्राइंगल्स के अंदर है। ठीक है, 4th में भी आपको इसी तरीके से मिलेगा कि जो डॉट है वो अंदर है, लेकिन 5th देखेंगे, यहाँ पे डॉट तो ठीक है, यहाँ पर सही जगह लगा है, लेकिन आपको ये छोटा जो एक स्क्वायर मिलना चाहिए था, वो आपको स्क्वायर यहाँ पर नहीं मिला है, यहाँ पर आपको 3 ट्राइंगल्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ट्राइंगल्स नहीं बोलेंगे, सॉरी, ये 4 उसमें है नोट्स में। ठीक है, सेम यहाँ पर भी 4 नोट्स में, लेकिन जहाँ पे एक स्क्वायर मिलना चाहिए था वो स्क्वायर नहीं मिलके आपको ट्राइंगल मिला है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो 5th वन हो जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, थोड़े से आपको ये लग रहा होगा कि थोड़े से कुछ मतलब साफ नहीं है, लेकिन जिसकी आई अच्छी है और वहाँ पर क्योंकि साय को दे रहे हैं आप, तो ये आपकी आई की भी प्रैक्टिस करा देगा। ठीक है, 1 से 2 काम हो जाएंगे आपके। ये एन बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे, बाहर देखेंगे कि इधर बाहर है, यहाँ भी बाहर है। ठीक है, और आप देखना चाहें तो 1st और 5th आपको सेम दिख जाएगा। ठीक है, इसमें भी दोनों दो चीज़ बाहर हैं। अब बात करते हैं सेकंड की, सेकंड में आप देखेंगे एन बना हुआ है, ठीक है, एक अंदर है इसमें डॉट, एक बाहर डॉट है।
ठीक है, आपको यहाँ भी आपको सेकंड और फोर्थ में सेम दिख जाएगा। और देखिए यहाँ पे एन उल्टा बना हुआ है, ठीक है, तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो थर्ड वन आपका आंसर मिल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा सर्कल मतलब कि इलिप्स टाइप का है, जैसा कि इस तरीके से, ठीक है। बात करते हैं 14 की, इसमें आप देखेंगे कि ट्राइंगल्स के अंदर दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर देखना चाहे तो इसमें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक दो सर्कल्स हैं, लेकिन क्या बाहर आपको सर्कल्स दिख रहे हैं? ये एक इलिप्स है, ठीक है, इलिप्स के अंदर दो सर्कल्स हैं, ठीक है, यहाँ दो ट्राइंगल्स के अंदर दो ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे एक दो स्क्वायर के अंदर दो स्क्वायर हैं, पेंटागन के अंदर सेम इसी तरीके से पेंटागन है, और यहाँ पे तो आपको दिख पा रहा होगा ये चारों जो फिगर हैं, ठीक है, ये चारों के चारों फिगर सेम हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स हैं वैसे ही उनके अंदर स्ट्रक्चर हैं। बात करते हैं फर्स्ट की, फर्स्ट में ऐसा नहीं है, फर्स्ट में इलिप्स के अंदर दो सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स नहीं है जो आगे जो बाहर है, ठीक है, तो आपका आंसर जो क्या हो जाएगा फर्स्ट। बात करते हैं 15 की, ट्राइंगल के अंदर सर्कल, ठीक है, यहाँ पे सर्कल के अंदर पेंटागन, उसके स्क्वायर के अंदर सर्कल, इलिप्स के अंदर सर्कल, और इसके अंदर भी आपका सर्कल, तो आप देख पाएंगे कि बाहर के स्ट्रक्चर सब अलग अलग हैं, लेकिन अंदर में आप देखना चाहेंगे चार में एकदम सेम दिए हुए हैं सर्कल सर्कल्स, ठीक है, एक एक सेकंड ही है जो अलग है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है फ्रेंड। इसको थोड़ा बस यही करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि आपको देखने पे लग रहा होगा कि ये कुछ इमेज अलग है, इसलिए आप फोर्थ भी लगा पा रहे होंगे, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा ठीक कर लीजिए, अगर आपने फोर्थ लगाया है तो क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज करके इसे देख लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, 16 की, इसमें देख पा रहे होंगे इसका आपको सीधे दिख पा रहा होगा, फिफ्थ में आंसर दिख रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसको बता देता हूँ। देखिए तीन डॉट हैं इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे इसमें छोटे उसमें तीन डॉट, इसमें भी इसी तरह से बने हुए हैं, और इसमें भी तीन डॉट इस तरीके से, तीन डॉट इसमें, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तीन डॉट जो लगे हुए हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया फिफ्थ। नेक्स्ट बात करेंगे 17 में, इसमें एक स्क्वायर है और चारों तरफ से लाइन खींची हुई है इस तरीके से, ट्राइंगल्स में भी सेम इसी तरीके से है, जो है लाइन वो सब बाहर निकल रही हैं, बड़ी लाइनें हो रही हैं, ठीक है, और ये देख पा रहे होंगे आप कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से निकल रही हैं, सॉरी दूसरी तरफ से निकल रही हैं, जैसे आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में लाइंस निकल रही हैं। थर्ड में भी आपको सेम ये दिखे, फोर्थ में आप देखिए थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा अगर ये लाइन इस तरीके से चलनी थी तो ये आगे जाना चाहिए था, इसके बाद ये कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, और फिर उसके बाद ये चीज़ निकलनी चाहिए थी, तो जो आपको अंदर दिख रहा होगा वो फोर्थ में दिख रहा होगा। इसमें भी आप देखना चाहें तो ये इस तरीके से बाहर निकली, फिर उसके बाद ये बाहर निकली, और उसके बाद ये, मतलब कि आप जहाँ से पेन चला रहे हैं, ठीक है, वहाँ से ही बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया फोर्थ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हमने बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चंस नेट से निकाले थे, और उसकी को यहाँ पे बस जस्ट पेश करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ज़्यादा घुमाने के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। साइको बस बेसिकली ये होता है कि आपके माइंड को सेटअप चेक करना होता है कि आप मतलब कि गलत से गलत या उलझी हुई कंडीशंस में आपके क्या रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बात करते हैं 18 में, आप देख पाएंगे सर्कल्स के अंदर एक एरो है और सर्कल्स है, ठीक है, बाहर देख पा रहे होंगे एक लाइन सी डॉट है, ठीक है, यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, लेकिन ये वाला जो बाहर डॉट है वो आपको यहाँ भी बाहर डॉट दिखे, यहाँ भी अंदर वाला जो डॉट है वो आपको इसमें और इसमें दिखेगा, डिफरेंसेस क्या है वो आपको देखना है। इस तरीके के क्वेश्चंस में आप हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखा करिए। देखिए आप ये जो है, ठीक है, ये भी जो डॉट है वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और जो एरो भी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखेंगे एरो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो डॉट है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे डॉट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में है, और जो ये भी है आपका एरो वो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में है। बात करते हैं इसकी, ये आप डॉट देखेंगे ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और आपका जो एरो है वो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे
तो आपको देख पा रहा होगा एरो जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और जो डॉट है वो भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको साफ दिख गया कि जो आंसर है आपका वो सेकंड आंसर हो गया। 19 की बात करते हैं। 19 में आपने देखा होगा ये चार लाइन इसी तरीके से बन रही है, ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से खड़े में इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है, सेम उसी तरीके से स्ट्रक्चर नहीं है कि जैसे ये लाइन बनी हुई है, लाइन के ऊपर रखे हुए हैं। आप इसमें देख पाएंगे सेकंड और फोर्थ आपको सेम दिख रहा होगा। डिफरेंस क्या दिख रहा है कि आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें इस तरीके से दिया हुआ, लेकिन इसमें कुछ इस तरीके से नहीं दिया, जैसे आपका ये है तो कुछ इस तरीके से दिया हो, ठीक है। सेम जो इसमें सेकंड में है वही फोर्थ में उसी तरीके का स्ट्रक्चर है, और फर्स्ट और फिफ्थ में तो आपको सेम दिख ही रहा होगा, ठीक है। थर्ड में देख लेंगे, थर्ड में देखिए जैसा आपका लाइन बनी हुई है, ठीक है, उसी के हिसाब से सेम उसी बेस पे ये चार सर्कल टाइप के बने हुए हैं, ठीक है, जबकि बाकी के जो चार ऑप्शंस है उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, चारों ऑप्शंस डिफरेंट हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड। 20 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सर्कल इधर है, तीन लाइन इधर है, सर्कल इधर है, तीन लाइन इधर है, देखिए इसमें क्या है, ये दोनों टच हो गए हैं, तो थर्ड ही आपका आंसर हो गया। बाकी दोनों में आपको दिख ही रहा है कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, डॉट और ट्रिपल, तीन लाइन डॉट और ट्रिपल लाइन, ठीक। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे चैनल्स के अपडेट्स मिलते रहें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।